सो वेलकम टू ज्वाइन मी इन बीस्ट गाइज। सो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग MEK के जो प्रैक्टिस टेस्ट थे थोड़े से MCQ है वो करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अगर इस एग्ज़ाम को जो भी हमने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सकते हो, आप खुद से टेस्ट दे सकते हो, और लास्ट में उसका एग्ज़ाम भी आपको रिजल्ट भी उसी टाइम मिल जाएगा। तो आपको बस कुछ करना नहीं है, आपको अपना नेम लिखना है, ईमेल ID देना है, और उसके बाद आपको टेस्ट स्टार्ट कर देना है। टेस्ट का टाइमिंग रहेगा उसी हिसाब से जैसे कि GP रेटिंग में होता है, सेम वैसे ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। वेलकम टू मरीन बीस्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है फंक्शन ऑफ ए पंप इज़ टू, जो पंप है वो क्या फंक्शन करता है। जैसे हमारे ऑप्शन है A, B, C, D, इसके साथ टाइमर होगा। अगर आपको आंसर आता है तो आप मन में सोच लेना। सो जो फर्स्ट है वो है कंप्रेस फ्यूल, कंट्रोल फ्लो ऑफ द फ्लूड, या प्योरीफाई फ्लूड, या प्रेशर फ्लूड। तो इसका जो आंसर है गाइस 3 सेकंड के बाद वैसे तो मैं बता ही दूंगा, तो अगर आपको पता है तो आप सोच लो क्या होगा, A, B, C, D। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गाइस क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर D, प्रेशराइज फ्यूल। जो फंक्शन होता है पंप का क्या फंक्शन रहता है, वो कि जो फ्यूल होता है उसको प्रेशराइज करता है, मतलब प्रेशर से आगे भेजता है जो पंप। अगर एक पाइपलाइन में अगर आपने कोई पंप ऐड कर दिया है तो वो क्या करेगा, जहाँ से सक्षम होता है वहाँ करके जो डिस्चार्जिंग होता है वो प्रेशराइज से करेगा। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज वो एक क्यूब क्लोजिंग वाल्व ऑपरेटेड इज कैरी आउट, जो क्यूब क्लोजिंग वाल्व है वो कहाँ से ऑपरेट किया जाता है, कहाँ से। सो ऑप्शन नंबर A, B, C, D। ए कंट्रोल्ड लोकेशन आउटसाइड इंजन रूम, और सेकंड ए स्टेयरिंग फ्लैट से या नेविगेशन ब्रिज से, और डी ए हमारा एनी वेयर इन द इंजन रूम, इंजन रूम से कहीं भी आप कंट्रोल कर सकते। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है गाइज हमारा A, B, C, D। इनमें से हमारा जो आंसर है वो है हमारा ए, जो आप क्यूब क्लोजिंग वाल्व है वो इंजन रूम के आउटसाइड से कंट्रोल करते हैं। जैसे कुछ भी फायर हो गया, कुछ हो गया, तो इमरजेंसी में जो क्यूब क्लोजिंग वाल्व है पूरे डीजल सिस्टम का, ये बंद करने के लिए ये बाहर से दिया जाता है। सो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है गाइस वो है व्हेन स्टार्टिंग द वेल्डिंग यू मस्ट होल्ड द इलेक्ट्रोड एट द एंगल ऑफ अबव। जब आपने वेल्डिंग करना है तो आपको जो वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड होता है वो कितने डिग्री पे रखना होता है। सो ऑप्शन नंबर ए में 13, बी में 17, और सी में है 15। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास आंसर नंबर बी। सो बी ऑप्शन इज़ ए करेक्ट, 70 डिग्री पे हमको रखना होता है जब वेल्डिंग करना होता है। सो हमारे साथ इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ऑन बोर्ड शिप ए बिल्ज पंप इज़ ऑफ डैश टाइप, जो ऑन बोर्ड में जो बिल्ज पंप होता है वो किस तरह का होता है। तो चार ही ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर ए गियर पंप जैसा होता है, बी स्क्रू पंप, सी सेंट्रीफ्यूगल, और डी रेसिप्रोकेटिंग। तो जो बिल्ज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑन बोर्ड शिप पे पंप, तो वो पंप होता है हमारा, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है वो बिल्ज के लिए यूज़ होता है नॉर्मल जो इसके लिए, और डीजल वगैरह डिस्चार्जिंग करने के लिए गेयर पंप भी होता है, फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप भी होते हैं जो ये अपना सी वाटर वगैरह करने के लिए, फायर पंप जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, जो फायर पंप होता है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, द एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर ऑन शिप इज़ अ पार्ट ऑफ डैश सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास स्टीम जनरेशन, बी टर्बो चार्जिंग, सी हॉट वाटर, डी हमारा है प्रोपुलेशन। सो इसी के साथ हमारे 3 सेकंड मिलेंगे, और इसका जो करेक्ट आंसर है जो एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्टीम जनरेशन सिस्टम बोला जाता है इस पार्ट। सो हमारा 6th क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द इंजन रूम, मतलब जो आपके पास अभी नीचे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से कौन सी चीज़ इंजन रूम की नहीं है, जहाँ इंजन रूम का वो हिस्सा नहीं है। तो नंबर ए 1 पे है बॉयलर, बी पे है जनरेटर इंजन, सी पे है एयर कंप्रेसर, एंड डी पे है मोरिंग विंच। तो सबको पता बॉयलर भी इंजनों में यूज़ होता है, जनरेटर इंजन भी होगा, एयर कंप्रेसर भी होगा। सो जो मोरिंग विंच है वो तो इंजनों का कभी पार्ट था ही नहीं, तो वो हमेशा डेक का होता है जो मोरिंग विंच होता है। तो डी इज़ ए करेक्ट आंसर। इसके साथ ही हमारा गाइस नेक्स्ट है 7th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज फर्स्ट ऑन द स्मॉल फायर इन द इंजन रूम। 4 ऑप्शन है हमारे पास A, B, C, D। तो इंजन रूम में कोई स्मॉल फायर हुआ है तो आप क्या यूज़ करोगे, नॉन पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करोगे, फायर ब्लैंकेट यूज़ करोगे, या फायर पंप एंड होस फायर पंप को चालू करके, या फिर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर।
सो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई छोटी सी है, देखो गैलरी तो है नहीं है जहाँ पर आप फायर ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हो, या किसी बॉडी, किसी को आग तो लगी नहीं, किसी मैन को जो उसके ऊपर आप ब्लैंकेट डालोगे। सो नॉन पोर्टेबल भी यूज़ नहीं कर सकते हो। फायर पम्प, छोटे से फायर के लिए कोई फायर पम्प यूज़ नहीं करता, वो तो थोड़ा हाई फायर होगा या मेजर फायर इसमें। तो डी इज़ ए करेक्ट आंसर, पोर्टेबल फायर सिस्टम जिसको आप इजीली उठा सकते हो, स्मॉल फायर के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। ऑन फाइंडिंग एन इंजरी पर्सन इन द इंजर रूम, यू फर्स्ट एक्शन विल टू बी, अगर आपने किसी पर्सन को, इंजरी पर्सन को देखा है तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा। हमारे पास फोर ऑप्शन है। ए अप्लाई फर्स्ट एड, उस पर फर्स्ट एड लगा दो। लुक फॉर द कॉजेज ऑफ द इंजुरी, या फिर उसके जो इंजुरी के वो देखते रहो कहाँ क्या है, या ब्रिंग द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लेने चले जाओ, या फिर हमारे पास सी ऑप्शन है, रिपोर्ट टू द ड्यूटी ऑफिसर ऑन वॉच। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है गाइज ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको कुछ भी ऐसा इंजुरी पर्सन इंजन रूम में, जहाँ आप डेक में कहीं भी काम कर रहे हो, तो अगर दिखता है तो लुकआउट तो ठीक है, लेकिन पहले, सबसे पहला काम आपको अपने ड्यूटी ऑफिसर, जो भी ऑन मतलब ड्यूटी पे रहेगा, उसको रिपोर्ट करना है कि सर ऐसे ऐसे एक पर्सन है, इंजरी हो गया ये वो। उसके बाद जो भी उनका जो ट्रीटमेंट रहेगा वो बाद में उनकी हेल्प करनी है, लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने ड्यूटी ऑफिसर को रिपोर्ट करना है। कोई भी काम हो, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, या कुछ आपको अनहाइजीनिक लगे, या कोई भी अनक्लोज स्पेस पे कुछ भी होता है, सबसे पहले एक बंदे को रिपोर्ट करना है। वो कौन सा बंदा होता है, जो भी आपके साथ वो सीनियर रहेगा उसको रिपोर्ट करना होता है। सो इसके साथ है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। फंक्शन ऑफ द सिलेंडर हेड रिलीफ वॉल्व इज टू, जो फंक्शन रिलीफ वॉल्व का क्या होता है, वो स्टॉप द इंजिन, बी इज ए रिलीज एक्सेस प्रेशर, सी प्रिवेंट क्रैंकेस एक्सप्लोजन, और डी रिड्यूस द स्पीड ऑफ इंजन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस, जो फंक्शन ऑफ सिलेंडर हेड रिलीफ वॉल्व, जो सिलेंडर हेड पे रिलीफ वॉल्व लगा होता है, उसका क्या काम होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बी क्योंकि जो भी एक्सेस प्रेशर बनता है वो किससे निकलता है, रिलीफ वाल्व पे, जो कि सिलेंडर हेड के ऊपर लगा होता है। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, इसकी फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा साथ में, ऐसे थोड़ा पता नहीं चलता। तो बी इज़ ए करेक्ट आंसर गाइस। इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट है गाइस, वो है क्वेश्चन नंबर 10। साउंडिंग पाइप पाइप ऑन टैंक आर फिटेड फॉर फाइंडिंग, जो साउंडिंग पाइप होती है टैंक में क्यों होती है। सो अब नॉर्मल साउंडिंग इन इंजन रूम, या फिर प्रेशर इन इंजन रूम, लेवल ऑफ लिक्विड इन टैंक, टेम्परेचर। तो जो साउंडिंग किसी भी टैंक में जो साउंडिंग पाइप है वो किसी, ये बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे, अब नॉर्मल भी प्रेशर वगैरह। तो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी चीज़ में साउंडिंग पाइप दिया गया तो उसका मतलब मेज़र करने के लिए कितना है टेम्परेचर, उससे कैसे चेक करोगे, उसके लिए तो और गेजेस हो जाएंगे। तो वो ऑप्शन नंबर इज सी करेक्ट है, लिक्विड लेवल ऑफ लिक्विड इन टैंक, उसमें जो टैंक में कितना लेवल है लिक्विड का वो देखने के लिए साउंडिंग पाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द इनलेट वाल्व ऑन द सिलेंडर हेड ऑफ द डीजल इंजन इज प्रोवाइड एंटर ऑफ डैश, क्या है, जो इनलेट वाल्व ऑन द सिलेंडर हेड ऑफ द डीजल इंजन इज प्रोवाइड एंटर डैश, किसके लिए होता है इनलेट वाल्व। ऑप्शन नंबर ए फ्रेश एयर, बी स्टार्टिंग एयर, सी कूलिंग वाटर, एंड डी फ्यूल। सो इसका जो इनलेट वाल्व का होता है सिलेंडर में, उसका मेन सबको ही पता होना चाहिए अगर किसी ने पढ़ा होगा, फ्रेश एयर इनलेट होने के लिए। और एग्जॉस्ट वाल्व होता है जो वहाँ का जो एग्जॉस्ट होता है कंप्रेस होके, जो भी ब्लास्ट होता है उसका जो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट वाल्व उसके लिए हो जाता है, और इनलेट वाल्व होता है फ्रेश एयर एंटर होने के लिए। सो इसके साथ 12 क्वेश्चन है हमारा। 12 क्वेश्चन है, ए साउंडिंग टेप इज यूज ऑन मेजरिंग लेवल ऑफ द लिक्विड इन ए, जो साउंडिंग टेप होती है वो किसके लिए यूज होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलेंडर, बी टैंक, सी बॉयलर, एंड डी क्रैंकेस। सो इसका जो साउंडिंग टेप इज यूज मेजरिंग लेवल ऑफ द लिक्विड, पीछे भी इसका सेम ही क्वेश्चन था अगर देखा जाए तो। नॉर्मल सी साउंडिंग टेप वो लेवल ऑफ लिक्विड देखने के लिए, किसका, टैंक का। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वो टैंक का होता है। ये फर्स्ट पार्ट है, थोड़ा सिंपल रखेंगे, आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा टफ टफ लेके आएंगे। सो 13 है क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ इंजन रूम फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम, हमारे पास ए बी सी डी, इंटरनल गैसेस, डी सी पी, सी ओ टू, या फिर केमिकल फोम। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है गाइस सी ओ टू, जो ऑप्शन नंबर सी है वो सी ओ टू हम लोग यूज़ करते हैं, जो इंजन रूम में फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम होता है सी ओ टू का होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट
पार्ट ऑफ ए एयर कंप्रेसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इज नॉट पार्ट ऑफ एन एयर कंप्रेसर। हमारे पास ऑप्शन है इंजेक्टर, फिल्टर, शाफ्ट और वाल्व। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गाइस ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखो एयर कंप्रेसर में शाफ्ट भी होगी, वाल्व भी होगा, फिल्टर भी होगा, तो जो ए है वो इंजेक्टर, क्योंकि वहाँ पर कुछ ब्लास्ट वगैरह करना नहीं, उसके अंदर एयर को कंप्रेस करना हमें बस, जो इन एयर सक्षम होगी शक होगी और उसको जो डिस्चार्जिंग करना है एयर बोतल में, तो वो उसमें कुछ ब्लास्ट नहीं है, बस एयर को उठा के एयर को कंप्रेस करके रखना है। तो इंजेक्टर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 14 का। नेक्स्ट है हमारा 15, द इंस्ट्रूमेंट नीडेड प्रोवाइडर ऑफ द मेजरिंग डायमीटर। सो जो डायमीटर नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे पास फोर ऑप्शन है डिजिटल गेजेस, माइक्रोमीटर, डेप्थ गेजेस एंड डाया गेजेस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि माइक्रोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं डायमीटर नापने के लिए। अगर आपने माइक्रोमीटर देखा है ठीक है, नहीं तो आप गूगल से सर्च कर सकते हो माइक्रोमीटर को, नेक्स्ट टाइम मैं फोटो भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाइल द बॉयलर इज ऑपरेटिंग यू विल इंश्योर दैट। हमारे पास फोर ऑप्शन है ए बी सी डी, ब्लैक स्मोक इज कमिंग आउट, नंबर बी पे है वाटर लेवल इज मेंटेन, सी सेफ्टी अलार्म बाईपास और डी ए वेंट वॉल्व इज ओपनिंग। सो हमें ड्यूटी के टाइम जो बॉयलर ऑपरेशन हो रहा होगा तो वहाँ पर ड्यूटी के टाइम, वॉच के टाइम हमें क्या देखना होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हमें उसका वाटर लेवल देखना होता है, वाटर लेवल उसमें मेंटेन रखना होता है, बाकी तो छोड़ो लेकिन सबसे पहला और उसके टाइम में क्या देखना होता है, पानी, उसमें पानी अच्छा हो, उसमें ग्लास गेजेस से देखो पानी कम तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो एक्सपेंशन टैंक होता है ऊपर उसमें पानी नहीं होता, इसलिए जो ऑटोफिल नहीं होता, तो वो सब भर के रखना होता है, तो और वैसे वॉच के टाइम उसका पानी का लेवल देखते रहना होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्स विद केमिकल। केमिकल से हमें वैसे तो रिक्स है ही है, लेकिन कौन से नहीं है। सो हमारे पास फोर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फ्रीजिंग, बी फायर, सी फ्यूमिंग और डी स्पिलिंग। सो जो इसमें से करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इज नॉट अ रिक्स विद केमिकल, केमिकल से कौन सा रिक्स नहीं हो सकता, तो फ्रीजिंग नहीं हो सकता, फायर भी हो सकता है, फ्यूमिंग भी और स्पिलिंग भी, तो ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ए क्वेश्चन नंबर 18, द लेवल मेजरिंग डिवाइस, लेवल इंडिकेट कैन बी यूज ऑफ, जो लेवल मेजरिंग डिवाइस है वो कौन सा लेवल इंडिकेट करती है। सो ए ऑयल लेवल इन जनरेशन, जनरेटर क्रैंक केस, ऑयल कैन, स्मॉल टू द लार्ज टैंक विद इन द इंजन रूम एंड डी इज ए समथिंग ऑफ प्योरीफाई एंड कंप्रेसिंग। सो करेक्ट आंसर है गाइस हमारा डी, समथिंग ऑफ प्योरीफाई एंड कंप्रेसर। इसका जो लेवल मेजरिंग है वो इंडिकेटर है, वो लेवल मेजरिंग डिवाइस से देखा जाता है। 19 है हमारा टर्निंग गियर ऑन मेन इंजन इज प्रोवाइडेड फॉर, जो टर्निंग गियर मेन इंजन में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इंश्योर टर्निंग ऑफ द प्रोपेलर, बी ए रिलीज पार्ट ऑफ इफ जंपर, रिमूव एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ द सिलेंडर एंड डी इज ए टर्निंग द इंजन ड्यूरिंग ओवरऑल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, टर्निंग गियर। आप मैं फोटो नहीं दिखा पाया सॉरी, लेकिन जो टर्निंग गियर है वो क्यों होता है, जैसे कभी इंजन को बिना स्टार्ट किए जैसे पिस्टन का आगे पीछे कुछ देखना है, ऊपर नीचे उसकी क्लियरेंस वगैरह, तो टर्निंग गियर दिया जाता है, उससे बंद इंजन को भी हम लोग घुमा सकते हैं, उसकी क्रैंक, उसकी वजह से जो हमारा पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है, जो भी कुछ देखना होगा, तो डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिविंग ब्लो। सो नीचे जो पिक्चर दिया गया है ये क्या है, फोर ऑप्शन है हमारे पास, एक्सटर्नल क्लिपर प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, एंगल प्लायर एंड वायर कटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गाइस ऑप्शन नंबर इज वन, ये एक्सटर्नल क्लिपर प्लायर है जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा 21, सेम ये फोटो कौन सी है, तो इसके चार ऑप्शन है, CO2 एग्जॉस्ट, मैकेनिकल फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर, फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर एंड ड्राई पाउडर। सो जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हो, एक सेकेंड कहाँ गया पॉइंटर, सो ये देखो ये जो गोलू सा दिख रहा है ना, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये CO2 है, जो CO2 पे ही ऐसा एक हॉर्न दिया जाता है और किसी पे नहीं दिया जाता, तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये CO2 एक्सटिंग्विशर है। सो हमारा इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो नेक्स्ट है वो है ये देखने में देखो हैमर है, लेकिन कौन सा हैमर है, इंसुलेटर हैमर है, वुडन हैमर है, मेटल है या सॉफ्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गाइस ऑप्शन नंबर हमारा डी, क्योंकि सॉफ्ट हैमर है, ये जैसे कुछ पार्ट होते हैं वहाँ पर हम लोग बेयरिंग वगैरह ये वो शाफ्ट पे हम लोग दूसरा हैमर यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर कुछ कुछ प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हम लोग सिर्फ सॉफ्ट हैमर ही यूज़ कर सकते हैं।
सो ये नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई रिकमेंड टूल। ये कौन सा टूल है? तो चार ऑप्शन है, स्टड है, टर्नबकल, बोटल आइस बोटल, डबल आइस बोटल या बोटल। तो बोटल तो दिख नहीं रही सर, क्योंकि बोटल में क्या होता है, जो अंदर हमें स्टड दिख रहे हैं वो नहीं दिखते, जो थ्रेड दिख रहे हैं ना वो नहीं दिखते थ्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गाइज ऑप्शन नंबर बी, टर्नबकल है। तो इसके साथ क्या है गाइस, आज में इतने क्वेश्चन हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आप अपना नेम और ईमेल आईडी डाल के एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम का रिजल्ट तभी आ जाएगा जो जो इंटरेस्टेड है एग्ज़ाम दे लेना, ठीक है। सेम वैसे ही आता है जैसे जीपी राइटिंग में, हम उतना ही एक क्वेश्चन को 1 मिनट या फिर 30 सेकेंड ही देंगे। तो अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा तो एग्ज़ाम इजीली हो जाएगा। सो इसी के साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू टू वॉचिंग गाइस।